વેદના સમયની અંદર વ્યક્તિઓ છે એવી અંધશ્રદ્ધામાં માનતા હતા કે પોતાના જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય ત્યારે બાઇબલનું કોઈ પણ પેજ ખોલે અને જે શબ્દ છે એને પહેલી નજરે દેખાય એમાં એને માર્ગદર્શન મળશે. તો આવું જ અંધશ્રદ્ધા વિશેનું નાટક રજૂ કરશે ધોરણ 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થીઓ. સો પ્લીઝ વેલકમિંગ ઓન ધ સ્ટેજ. આવે છે આવે શાંતિ સે સોને તો દો એ ભાઈ તુમસા તો પહેલે હા સમજા ઓર તુમ ભી ઉઠ સ્કૂલ ભી તો જાના હે ક્યા બાપા અભી તો બહોત દેર હે તો બહુ હમી આવે છે આવે છે હા આવે. હેલો જ્યોતિષ આચાર્ય જલ્દી બોલીએ आज का मेरा दिन कैसा रहेगा? सर जी आज आप लाल शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के ही बाहर निकलिएगा और हाँ आपके ग्रहों के हिसाब से आज आप कहीं भी जाए सफेद रंग का रुमाल हाथ में ही रखिएगा आपकी सारी डील फाइनल हो जाएगी. जी आचार्य समझ गया जैसे आपकी आज्ञा. और हाँ आचार्य बड़ौदा वाली जमीन के बारे में मैंने आपको बताया था ना तो क्या सौदा पक्का करूं? सर जी वो उसमें ऐसा है कि आपके कुंडली के अनुसार मंगल सातवें भाव है इसलिए मुझे यज्ञ करना पड़ेगा. तो जल्दी कीजिए मुझे किसी भी तरह वो जमीन चाहिए. हाँ मगर इस बार यज्ञ का खर्चा थोड़ा ज्यादा रहेगा. आप खर्चे की ओर मत देखिए आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा बस मेरा काम हो जाना चाहिए. जी सर जी मैं यज्ञ की तैयारी करता हूँ. ओके जय भोले. पापा एक बात पूछू? हाँ बोल. आप हर रोज भगवान की पूजा करते हो फिर भगवान के बदले ऐसे ज्योतिषों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हो. मोहित तू इन सब चीजों में मत पड़ तू अभी छोटा है तू नहीं समझेगा. और हाँ जय स्वामीनारायण अंकल. स्वामीनारायण मैम बेटा आओ आओ क्या बात है आज तुम सफेद रंग में चलो मेरा दिन शुभ रहेगा. थैंक्स मैम. ओके मैं तैयार होके आता हूँ और हाँ तू भी जल्दी से तैयार हो जा. जय भोले. ये सब क्या है मोहित ये शुभ सफेद रंग मुझे कुछ समझ नहीं आया. अरे यार मैं पापा के अंधविश्वास और वहम से परेशान हो गया हूँ. हर रोज पूरा दिन सुबह से शाम तक कोई ना कार्य चालू रहता है. अरे वो तो फिर भी ठीक है पापा तो तांत्रिकों के चक्कर में भी पड़ चुके हैं. अब बोल मैं क्या करूँ? देख मेरी बात सुन पापा को इस चक्कर से निकालने का मेरे पास एक अच्छा आइडिया है क्योंकि एक बार हमारे कलापुंज मंदिर की बाल सभा में संतों के द्वारा दिए गए प्रवचन में इसका हल बताया गया था. अगर तू बोले तो मैं बताऊं. अरे भाई जल्दी बता मैं भी इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ. तो सुन तुझे बेहोश होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी. क्या बेहोश होने की एक्टिंग? मगर अगर मगर कुछ नहीं तुझे इससे छुटकारा चाहिए ना. बस कुछ भी हो जाए तू उठेगा नहीं बाकी सब मैं संभाल लूंगा. ओके ओके जैसा तू कहे. ओके तो चल पिक्चर चालू करते हैं. बेटा क्या हुआ? उठ बेटा उठ. दामू काका
अंदर जाइए और डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ हाँ मालिक, अभी बुला कर आता हूँ। लीजिए मालिक, डॉक्टर साहब आ गए। जल्दी आइए डॉक्टर, देखिए मोहित को। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये है डॉक्टर कच्चा वाला, जो है बड़ा ही खर्चा वाला। खर्चा वाला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसकी नाड़ी तो बराबर चल रही है। ए गोकल, वो नली देना। नली? कौन सी नली? अरे इतने सालों से मेरे साथ रहता है और नली का मतलब नहीं समझता। छाती की धड़कने नापने का मशीन। अरे उसमें मशीन का क्या काम, सीधा कान लगाओ ना। जितना बोला उतना कर, डॉक्टर मैं हूँ या तू? ये लो धड़कने नापने की मशीन। इसकी धड़कने तो दम दम जा रही है, तो फिर इसे हुआ है क्या? देखने के लिए तो आपको इधर बुलाया है, तो फिर आप किसे पूछ रहे हो? ए काका, शांति से बैठो, शांति से बैठो। ए भोकल, वो बीपी नापने का मशीन ला तो। हाथ का दू ये पैर का? दे मेरे बाप। ओके ओके। दे मेरे बाप। ओके ओके। मगर दाहिने हाथ का दू ये बाएं हाथ का? कितने लेकर आया है तू है? आपने पेटी में कितने रखे थे? इसने तो हद कर दी, जितने भी बड़े हैं उतने दे दे। इसमें तो एक ही है। ए, तू वही दे दे देवता। उसमें चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बहरा हूँ क्या? ये लो आपकी मशीन। इसकी बेटा है, तू करे क्या? कुछ नहीं, पैसे लो और चलो घर की ओर। इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है किसी की नजर या भूत प्रेत का साया है। किसी बापू को बुलाओ और नजर। ये लीजिए दवाई और लाइए मेरे 100 रुपये, मैं तो चला। रामू काका, आप जल्दी जाइए और किसी बाबू को बुला के लाइए। हाँ हाँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मुकी देना, ये तो काई नहीं है, मुआ मर्दा भी बेटा।